हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नीरज राजपूत। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 26 लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के जरिए आप लोग को मैं टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा और इसका डिस्कशन भी आप लोग को बताऊँगा, ताकि आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और आपको दिखाते हैं आज के क्वेश्चन क्या है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्वेश्चंस है, इन ए नेचुरल रेफ्रिजरेशन फॉर कूलिंग इफेक्ट अचीव्ड बाय। नेचुरल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो कूलिंग प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, वह किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी आइस, ऑप्शन सी रेफ्रिजरेशन, ऑप्शन डी ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी आइस। जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है कि नेचुरल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कूलिंग इफेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसमें नेचुरल के अकॉर्डिंग आइस का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि अभी के जैसे हमारे पास लेटेस्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी आइस। अगला क्वेश्चन है, फीड आयर इंड्यूस द फर्स्ट सेल्फ कंटेंड यूनिट। फीड आयर एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पहली स्वनिहित इकाई पेश की थी। रेफ्रिजरेशन सिस्टम पेश किया था, कब पेश किया था? ऑप्शन ए 1913 में, ऑप्शन बी 1913 में, 1923 में, ऑप्शन सी 1933 में, ऑप्शन डी 1943 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1923 में फीड आयर ने पहली स्वचालित इकाई पेश की थी, रेफ्रिजरेशन सिस्टम पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, हीट इज ए टाइप ऑफ। हीट एक प्रकार है, किसका प्रकार है? एनर्जी का, वर्क का, पावर का या फिर प्रेशर का। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, हीट एक एनर्जी का प्रकार है। हीट को हम कई प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन द हीट फ्लो। नंबर 4 क्वेश्चन है, हीट जो होती है वो किस प्रकार फ्लो करती है? ऑप्शन ए अप, ऑप्शन बी डाउन, ऑप्शन सी फ्रॉम हॉट मैटर टू कोल्ड मैटर, ऑप्शन डी फ्रॉम कोल्ड मैटर सब्सटेंट टू हॉट सब्सटेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी फ्रॉम हॉट मैटर टू कोल्ड मैटर। उष्मा में एक गुण पाया जाता है, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। थर्मल ऊर्जा या गर्मी स्वाभाविक रूप से केवल एक ही दिशा में बहती रहेगी, गर्म से ठंडे की ओर। हीट के 3 रूप होते हैं, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर होने के, चालन, संवहन और विकिरण। अगला क्वेश्चन है, एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन ऑफ ए रेफ्रिजरेंट। कम तापमान और दबाव एक सर्द के वाष्पीकरण की अवस्थित गर्मी है, क्या होगी उसकी गर्मी? घटेगी या फिर बढ़ेगी या फिर संतुलित रहेगी या फिर डिपेंड्स ऑन द वेपरेशंस, अन्य कारकों पर निर्भर करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी इंक्रीजेस होगी, बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए कैरनॉट, ऑप्शन बी चार्ल्स, ऑप्शन डी रुडोल्फ ग्लेसियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी रुडोल्फ ग्लेसियस ने थर्मोडायनेमिक्स का नियम बनाया था 18वीं शताब्दी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए मास एंड द एनर्जी आर द मैचुअली चेंज, द्रव्यमान और ऊर्जा परस्पर परिवर्तनशील हैं।
ऑप्शन बी कैनॉट इंजन इज नॉट इफिशेंसी, कैनॉट इंजन एक कुशल नहीं है। ऑप्शन सी हीट एंड द वर्क आर इंटरचेंजेबल, गर्मी और कार्य का विनिमय होगा। ऑप्शन डी हीट फ्लो फ्रॉम द हॉट मेटल टू द कोल्ड सरफेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उन्होंने पहले नियम के अनुसार बताया था हीट एंड द वर्क आर द इंटरचेंजेबल, जो हीट और काम होगा वो एक दूसरे में परिवर्तित होता रहेगा। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ द रेफ्रिजरेशन इज प्रशीतन की इकाई है। प्रशीतन की इकाई जो अपना रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसकी नापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए केजी, ऑप्शन बी पाउंड, ऑप्शन सी टन, ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी टन में। जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसको टन में मापते हैं। टन में क्यों मापते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। आप किसी कमरे में एक टन बर्फ़ रख दीजिएगा और उस एक टन बर्फ़ का जो कूलिंग इफेक्ट होगा, वो बर्फ़ जो कमरे में हीट होगी उस हीट से बर्फ़ पिघलेगी और वो हीट क्या होगी, कूलिंग में परिवर्तित होती रहेगी। एक टन का बर्फ़ जो है जितनी कूलिंग प्रभाव देगा उतना ही हमारा एसी भी कूलिंग प्रभाव देगा। इसीलिए हमारे यूनिट्स को टन में मापा जाता है, एसी सिस्टम को टन में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है द वेपर विच इज हाइगली सुपर हीटेड एंड एबो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड। वाष्प जो अत्यधिक सुपर हीटेड है और इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उससे यदि ऊपर टेम्परेचर जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए वेपर, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी सुपर हीटेड वेपर, ऑप्शन डी अनसैचुरेटेड वेपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी गैस। गैस क्यों कहेंगे? जब कोई भी सब्सटेंस है या फिर लिक्विड है जब वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जाएगा तो पूर्ण रूप से वाष्प में चेंज हो जाएगा, या पूर्ण रूप से वो वाष्प में चेंज हो जाता है तो हम उसको गैस मान सकते हैं, गैस का रूप ले लेगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है ए सब्सटेंस इन ए गैस क्यूज विच ए बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड कैन बी लिक्विड बाई द प्रेशर आल्सो कॉल्ड। गैस के पदार्थ, एक पदार्थ जो उसके महत्वपूर्ण तापमान से नीचे जिसे दबाव द्वारा तरल भी कहा जा सकता है। क्रिटिकल, अब बात की जा रही है क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे आ जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए वेफर, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी सैचुरेटेड वेफर, ऑप्शन डी अनसैचुरेटेड वेफर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए वेफर, क्योंकि यह जो लिक्विड रहेगा इसमें थोड़ी मात्रा में पानी की बूंदें भी मिक्स रहेंगी, इसलिए इसको हम वेपर कह सकते हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से गैस का रूप नहीं लेगा, इसमें थोड़ा परसेंटेज वेपर रहेगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन, कंप्रेसर रन्स वेरी हाई स्पीड्स। कंप्रेसर बहुत उच्च गति से चलता है, कौन सा कंप्रेसर चलता है? ऑप्शन ए रेसिप्रोकेटिंग, ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ऑप्शन सी स्क्रू कंप्रेसर, ऑप्शन डी स्क्रू कंप्रेसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, सबसे तेज गति से चलता है, ऑप्शन बी इज द राइट। अगला क्वेश्चन है द ऑयल पंप यूज इन द कमर्शियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज ऑफ द टाइप। वाणिज्यिक घूमने वाले कंप्रेसर में इस्तेमाल किया जाने वाला तेल पंप का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए रेसिप्रोकेटिंग, ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल, ऑप्शन सी गियर टाइप, ऑप्शन डी स्क्रोल टाइप। तो इस प्रकार के कंप्रेसर में हमेशा गियर टाइप ऑयल पंप का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है द साइज ऑफ कंडेंसर इन ए कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में प्रशीतन प्रणाली में कंडेंसर का आकार क्षेत्र होता है लार्ज देन द इवापोरेटर, इवापोरेटर से बड़ा, स्मॉलर देन इवापोरेटर, इवापोरेटर से छोटा, इक्वल टू द इवापोरेटर, इवापोरेटर के बराबर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाए, वो हो जाएगा कि हमेशा जो कंडेंसर रहेगा वो रहेगा इवापोरेटर से बड़ा, क्योंकि हीट एक्सचेंज की दर उसकी ज़्यादा होती है, इसलिए उसका एरिया बड़ा रखेंगे ताकि कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा हो सके और हीट एक्सचेंज अच्छी तरीके से हो सके, तभी कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शंस ए लार्ज देन द इवापोरेटर्स।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज इन द इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर। इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर का लाभ क्या है? कूल्ड बाय फोर्स एयर, ऑप्शन बी कूल्ड बाय नेचुरल एयर, ऑप्शन सी कूल्ड बाय एयर एंड वाटर, ऑप्शन डी कूल्ड बाय कंप्रेसर। तो इसका मेन लाभ ये होगा कि यह एयर एंड वाटर दोनों से कूल किया जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट, इवेपोरेटिव कंडेंसर में कूलिंग जो होगी वो एयर एंड वाटर दोनों के से की जाती है। इस यही इसका मेन लाभ है। इसमें पानी वेस्ट नहीं होता है, वही पानी रिकवर करके दोबारा चला जाता है। इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, द मॉइस्चर इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिमूव्ड। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मॉइस्चर को कौन रिमूव करता है? इवेपोरेटर, ऑप्शन बी सेफ्टी रिलीफ वाल्व, ऑप्शन डी ड्यूमिडिफायर, ऑप्शन डी ड्रायर। तो ये तो सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ड्रायर। मॉइस्चर को जो रिमूव करता है वो है ड्रायर। अगला क्वेश्चन है, मॉइस्चर इन ए फ्रोन रेफ्रिजरेशन सिस्टम केस प्रियान प्रशीतन प्रणाली के कारण नमी का क्या प्रभाव पड़ेगा फ्रियॉन सिस्टम में? इफेक्टिव रेफ्रिजरेशन, अप्रभावी प्रशीतन, हाई पावर कंजप्शन, उच्च बिजली की खपत, फ्रीजिंग ऑटोमेटिक रेगुलेटिंग वाल्व, और ऑप्शन डी कैरोसिन ऑफ होल सिस्टम। यह सिस्टम के अंदर नमी चली जाएगी तो वह इसके साथ केमिकली क्रिया करेगा और जो अपनी कॉयलें होंगी उन पर रस्ट इकट्ठा हो जाएगा और जो हमारी कॉयलों के लिए सही नहीं है और उस पर रस्ट जमना स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन ड्राई इवेपोरेटर कंपेयर्ड ऑफ फ्लोडेड इवेपोरेटर इन द सिमिलर। तो इसमें ड्राई इवेपोरेटर को कंपेयर किया जा रहा है फ्लोडेड इवेपोरेटर से कि ड्राई कंपेयर्ड क्या रहेगा, इसके बराबर रहेगा या फिर इससे अधिक रहेगा या फिर इससे कम रहेगा। तो ऑप्शन ए है सेम रहेगा, ऑप्शन बी लेस कम रहेगा, ऑप्शन सी मोर रहेगा, ऑप्शन डी मोर आर लेस डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। इसमें इवेपोरेटर कंपेयर्ड ड्राई इवेपोरेटर कंपेयर किया जा रहा है फ्लोडेड इवेपोरेटर से, इसमें कूलिंग इफेक्ट क्या रहेगा ड्राई इवेपोरेटर का, कम रहेगा या फिर ज़्यादा रहेगा या फिर अधिक रहेगा या फिर समान रहेगा या फिर डिपेंड ऑफ कंडीशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लेस, फ्लोडेड इवेपोरेटर से ड्राई इवेपोरेटर की कूलिंग इफेक्ट कम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इन ए फ्लोडेड इवेपोरेटर एंड एक्यूमुलेटर एट सक्शन ऑफ कंप्रेसर इज यूज्ड। फ्लोडेड इवेपोरेटर एंड एक्यूमुलेटर एट सक्शन ऑफ कंपेयर इज यूज्ड। ऑप्शन ए करेक्ट द लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंड प्रिवेंट इट्स फ्रॉम गोइंग टू कंप्रेसर। डिटेक्ट लिक्विड इन वेपर, ऑप्शन सी सुपरहीट द वेपर, ऑप्शन डी कलेक्ट द वेपर। इसका मेन पर्पज यही होता है कि अनइवेपोरेट वेपर को अपने पास स्टोर कर लेता है। इसका मेन पर्पज यही होता है। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट प्रोसेस टू रिमूव ऑयल इन इवेपोरेटर कॉइल्स। वाष्पीकरण कॉइल में तेल निकालने की सही प्रक्रिया क्या है? यदि कॉइलों में ऑयल चला जाता है तो उसको निकालने की सही प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए वॉशिंग, ऑप्शन फ्लशिंग, ऑप्शन सी क्लीनिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लशिंग। फ्लशिंग के द्वारा हम कॉइलों में इकट्ठा ऑयल को निकालते हैं। तो दोस्तों एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, आप लोग को यदि फ्लशिंग नहीं पता है तो आप लोग अपने आईटीआई टीचर से पूछें कि फ्लशिंग कैसे की जाती है। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट रहता है, कुछ दिक्कत रहती है तो आप लोग हमको कमेंट करें, हम उसका तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे।